वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज पार्ट टू की। ठीक है, देखो ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा फेसबुक पेज है अनलिमिटेड एजुकेशन। यहां पर जाओगे, ग्रुप मिलेगा, वहां पे 5700 प्लस मेंबर्स हैं। आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे डिस्कशन काफी अच्छा होता है। वहां पे क्या है ना, जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, जो कुछ भी मतलब पूछोगे ना, वहां पे इतने मेंबर्स है ना कोई उसको आपका सोल्यूशन जो है सो आपको बता ही देगा। ठीक है, और ये हमारा मेल आईडी है contact@unlimitededucation.in। ठीक है, इससे पहले हमने परसेंटेज पार्ट वन किया, काफी अच्छा तरीका से किया, काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए। मैं पहले ही बोल दिया हूँ आपको कि 2-3 पार्ट्स तक जो है परसेंटेज मैं आपको सिर्फ बेसिक सिखाऊंगा, क्योंकि देखो परसेंटेज अगर अच्छा से आपका हो गया ना, अगर आप सीख गए ना उसका कंसेप्ट, तो आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मतलब ये सब टॉपिक जो है ना सब परसेंटेज पे बेस्ड है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए परसेंटेज होता क्या है। आपको यही समझ में नहीं आएगा तो आप मैथ्स में फंस जाओगे जाकर के। ठीक है, इसीलिए परसेंटेज में मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, और बहुत लोगों ने अच्छा अच्छा कमेंट भी किया। ठीक है, और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाइम एंड वर्क जो है ना वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। टोटल 7 पार्ट्स है, तो जाकर के आप लोग पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क देख लो, पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीका से खत्म होगा। ठीक है, और अभी हम लोग परसेंटेज पे बात कर रहे हैं, इसके बाद जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, और उसके बाद हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन लेंगे। ठीक है, जो भी होगा सीरियली होगा। ठीक है, मेरा पहला कंसेप्ट के हिसाब से ही दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसमें मेरा बताया हुआ पहला कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों का कि चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे आप लोग अगर देख रहे हो, तो कोई बात नहीं है। और जो पार्ट टू देख रहे हो पहली बार, वो पार्ट वन पहले देख लेना। ठीक है, चलो देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों की, पार्ट वन में जो मैं बताया था ना, उसमें एक जगह पे जो है ना हल्का सा मिस्टेक किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ वो मिस्टेक क्या था। ठीक है, पार्ट वन देखी होगी तो बहुत कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी जो मैं करूंगा ना, तो वो आप लोग आसानी से समझ जाओगे। देखो मिस्टेक हम लोगों ने ये किया था कि जब मैं आपको बताया था कि 1/11 जो होता है वो 9 पूर्णांक 1/11 होता है परसेंटेज में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग बताए थे आप लोगों को कि अगर हम लोगों को 5/11 निकालना होगा, 5/11 निकालना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, बताए थे आप लोगों को, देखो ये 1/11 है, यानी कि 5/11 को लिख सकते हैं 5 × 1/11, और जब इसको आप लोग करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, वैसे पहला पार्ट में मैंने काफी अच्छा से बताया था, अब थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग 9 × 5 = 45, देखो पूर्णांक में भी मल्टीप्लाई होता है और अंश में भी, ऊपर वाले में भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो गुना करो 5 × 45 = 5/11, ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1/11 कर दिया था, तो इसको आप लोग सुधार लेना। ठीक है, चलो 7/11 देख लेते हैं, 7/11 वही चीज, 7 × 1/11, जब इसको आप लोग करोगे तो 7 × 9 = 1/11, और जब ये करोगे आप लोग तो 63 × 7/11। ठीक है, चलो अब आप लोग समझ में आ जाओगे। देखो 7/11 का परसेंटेज याद नहीं रखना है, 5/11 का याद नहीं रखना है, लेकिन 1/11 का याद रखना है। अगर नहीं भी याद है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100/11 हो जाएगा, और उसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो 9 × 1/11 आ जाएगा। ठीक है, चलो उसी तरह से 1/12 का देखते हैं। देखो स्टार्टिंग है, सब कुछ समझो। ठीक है, सब कुछ समझो, ये क्या होता है, ये होता है हम लोगों को 8 × 1/3, कैसे होता है, 12 × 96, 8 × 4/12 करोगे कट जाएगा, 4 × 12 = 1/3। ठीक है, चलो अब 5/12 निकालना है, 5/12 तो याद नहीं रखना है ना, इसको हम लोग को तरीका से निकालना है। ठीक है, दो तरीका है, एक तो गुना 100 करो, यानी 500/12 करोगे उसके बाद निकालोगे। ठीक है, और दूसरा तरीका कि अगर आपको याद है तो भैया 5 × 1/12 है, डायरेक्ट गुना करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 5/8 = 40 पूर्णांक, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा अंश में भी, तो 5/3,
अब ये मैं पिछला लेक्चर में काफी डिटेल्स में समझाया था, ये जो है सो कैसे हो जाएगा 41 पूर्णांक 2/3, ये कैसे होगा यह पिछला लेक्चर देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर 7/12 करोगे तो वही चीज 7 × 1/12, वही चीज 7 × 8 पूर्णांक 1/3, वही चीज 7×8 = 56 पूर्णांक 7/3। देखो अंश जो होता है ना, अंश ये हमेशा छोटा होना चाहिए, ये हमेशा छोटा होना चाहिए हर से, ठीक है। तो इसको करोगे तो ये आ जाएगा 58, 2 निकल जाएगा इससे। जब 7/3 को करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पूर्णांक 1/3, ये 2 इधर आ जाएगा, 56 × 58, 58 पूर्णांक 1/3। तो ये हो जाएगा परसेंटेज हम लोग का कन्वर्ट, ठीक है। चलो 1/11, 1/12, 1/7, 3/7, 5/7, 1/9, 5/9, 7/9, अब ये सब आप लोग खुद निकाल लोगे, चलो ठीक है। चलो इसी तरह का कुछ और देख लेते हैं, ठीक है, इसी तरह का कुछ और देख लेते हैं। एक बट्टा छह है तो क्या हो जाएगा, 16 पूर्णांक 2/3% हो जाएगा ना। अब मैं बोलूंगा 5/6 बताओ, तो देखो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, गुना करते थे, यानी 500/6 करो तो आपका आ जाएगा, करो 6×8 = 48, 2×0 = 36, 18, 2/6, और जब इसको आप लोग करोगे तो ये कट जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 83, 83.1% एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या था 5/6 का करने का, 5 × 1/6 का क्या था, 16 पूर्णांक 2/3, जब आप करोगे 16×5 = 80, 80 पूर्णांक 5 × 10/3। अब अंश तो हर से छोटा होना चाहिए, जब इसको कन्वर्ट करोगे 3 पूर्णांक 1/3 आ जाएगा, यही 3 इसमें जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 83 पूर्णांक 1/3। देखो ये भी एक तरीका है, ठीक है, और ये भी एक तरीका है। ये अभी आप लोग को ये तरीका आसान लग रहा होगा, ठीक है, ये भारी लग रहा होगा, लेकिन याद रखना ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है। बोलोगे क्यों, आप लोगों को आगे समझ में आएगा कि ये क्यों आसान है, ठीक है। ये कंसेप्ट, एक तरह का कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर हुआ कि हम लोग परसेंटेज निकालते कैसे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये जो है सो हम लोग समझ गए, ठीक है। अब देखो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था हर चीज अपने आप में 100% होता है, और 100% जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये लाइन मेरा पहला लाइन है पार्ट 1 का लेक्चर का, स्टार्टिंग का ही ये मेरा लाइन है, मेरा खुद का अपना बनाया हुआ लाइन है। ये बस दिमाग में आप लोग बैठा लो कि दुनिया में जितना भी चीज होता है वो अपने आप में 100% होता है। आपका जो सैलरी है, मान लो आप 50,000 का महीना कमाते हो, वो अपने आप में 100% है। मैं बोलूंगा उसका 50% मुझे दे दो, आप क्या करोगे, 25% मुझे दे दो, आप क्या करोगे, मैं बोलूंगा 50% मुझे दे दो, आप उसका आधा दे दोगे, 50,000 का आधा कितना होता है, 25,000। तो क्या हुआ, 50% का मतलब आधा, 25% का मतलब 1/4 हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, हर चीज अपने आप में 100% होता है और उसका वैल्यू 1 होता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है। चलो अब एक नया कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं, ठीक है। नया कंसेप्ट क्या सीखते हैं, ये देखो अभी तक हम लोग ऐसे सीख रहे थे कि 1/5 जो होता है वो कितना परसेंट होता है, तो 1/5 × 100 करते थे और हम लोग को 20% आ जाता था, एक कंसेप्ट हम लोग ये सीखे। दूसरा कंसेप्ट सीखे कि 20% का मतलब क्या होता है, तो उल्टा देखो परसेंट में निकालना है, गुना 100 की ये किया ना, अब परसेंट तो दिया हुआ है, तो जैसे ही परसेंट दिया हुआ है इसका मतलब होता है भागा, तो भागा 100 किए, तो ये हो गया 1/5। मेरा पहला लेक्चर इसी पे है, ठीक है, अच्छा से समझ लेना अगर यहाँ पे समझने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो। चलो अब नया कंसेप्ट सीखते हैं, अभी तक हम लोगों ने इतना देर में सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर किया है, ये वाला ऊपर में जो मैंने अभी बताया, ठीक है, अभी तक सिर्फ इतना ही क्लियर किया है। अब हम लोग नया कंसेप्ट सीखते हैं, नया कंसेप्ट क्या सीखते हैं, ये देखो अगर आपको 11/7 दिया है, 11/7 है आपके पास, 11/7 है, और मैं बोलूं कि बताओ भैया ये कितना परसेंट होगा, तो आप कैसे करोगे, आपके पास दो तरीका है, आपके पास दो तरीका है इसको कन्वर्ट करने का, आपके पास दो तरीका है, ठीक है। देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है आपका वही चीज परसेंट में कन्वर्ट करना है, गुना 100 करेंगे तो 11/7
गुना 100 बराबर 1100, 1100 बट्टा 7 दो भाग भाग दो आप, 7 इकाई 7, 4 7 5 35, 4 7 5 35 पांच बट्टा 7 इकाई 7, 4 11 7 5 35, 5 पर 0 7 7 49, ठीक है 7 7 49 और 1/7, ये परसेंट आपका आया, ठीक है आपका ये कितना आया 157.1/7%। आपके पास एक ये तरीका है जो थोड़ा सा भारी है, ठीक है एक हल्का तरीका देखते हैं, सेकेंड मेथड, और आप लोगों को ये वाला मेथड ही याद रखना है, इजी, ठीक है ये मेथड याद रखना है। अभी आप लोग को भारी लगेगा, लेकिन जब आप लोग बार बार देखोगे, बार बार क्वेश्चन देखोगे, बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन देखोगे, तब आप लोगों को ये मेथड आसान लगेगा। देखो कैसे करते हैं, अब बताओ 11/7 है, इसको पूर्णांक में कैसे तोड़ते थे हम लोग, 1/4/7 करते थे कि नहीं करते थे, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 1+4/7 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। एक मैं क्या बोला, हर चीज अपने आप में 100% होता है और उसका वैल्यू 1 होता है, जब 100% बराबर 1 तो 1 बराबर 100% हुआ ना। अब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, 100% प्लस ये 1 के लिए लिखे हैं, मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है यहाँ पे रफ कर देता हूँ, 100% बराबर 1 कैसे आया था, परसेंटेज है बट्टा 100 करते हैं, 100 बट्टा 100 करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ये चीज मैं यहाँ पे किया। अब 4/7, तो 4/7 कितना आता है बताओ, तो 4/7 भी ऐसे ही निकालते थे ना, 4/7 को परसेंटेज में करने के लिए 400/7 करते थे, ठीक है और 400/7 करते थे, अब यहाँ से निकालोगे आपका तो 57.1/7 आएगा। अब कैसे निकालते थे इसका एक और तरीका देख लेते हैं हम लोग कैसे निकालते थे 4/7, तो इसको लिखते थे 4×1/7, लिखते थे कि नहीं लिखते थे, है अब इसको लिखते थे 4×1/7 को कैसे करते थे, मैं ये को अब आ गया ना, यही चीज मैं शुरू में बोल रहा था, याद रहना चाहिए, सारा चीज याद रखना चाहिए आपको। 1/7 जैसे ही आया तो आप लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि 14 पूर्णांक 14 7 18 2/7 होता है इसका वैल्यू, और जब ये गुना करोगे आप तो 14 चौका 56 56 पूर्णांक 8/7 हुआ, 8/7 हुआ, और जब इसको कन्वर्ट करोगे, क्योंकि अंश 1 ज्यादा है, अंश को तो कम होना चाहिए हर से, तो 1 बाहर आ जाएगा, 8/7 को करोगे तो 1.1/7 आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो 57.1/7 आ जाएगा। ये चीज आप समझे, 4/7 जो है वो हमारा 57.1/7 है, तो ये कितना है 57.1/7% है। अब देखो ये 100% और ये 57.1/7%, तो ये दोनों जोड़ोगे तो 157.1/7% आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 11/7 के बराबर। इसको हम लोग कन्वर्ट किए तो ये आया, ठीक है और कैसे आया अब आप समझ गए होंगे, 11/7 को कन्वर्ट करोगे तो 1.4/7 आएगा, 1.4/7 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1+4/7 लिखते हैं, 100% के बराबर माना जाता है, ठीक है होता ही है वो, और 4/7 हम लोग पहला लेक्चर में देखे कैसे निकालते हैं 4/7, 1/7 होता है 14.2/7%, तो 4/7 हो जाएगा 57.1/7% जोड़ दोगे खटाक से आपका आंसर आ जाएगा। अभी ये समझ में कम आया होगा, मुझे भी पता है कि कम आया होगा, क्यों, क्योंकि आप लोग पहली बार देख रहे हो, कम आया होगा, लेकिन यही एक बार दो बार तीन बार एक ऐसा हो जाएगा ना कि 1/7 मैं बोलूंगा और 14.2/7 आप बोलोगे, ठीक है। परफेक्शन तभी आता है जब आप बार बार पढ़ोगे, बार बार क्वेश्चन बनाओगे, तब आपका परफेक्शन आएगा, ठीक है एक समय आएगा मैं बोलूंगा 1/7 का परसेंटेज बताओ और आप बोलोगे 14.2/7, कितना जल्दी आप बोलोगे। अभी तो ऐसे करते हैं ना 1/7 यानी 100/7 भाग देते हैं 14 7 98 14.2 बोलते हो ना इस तरह से, नहीं एक समय आएगा मैं बोलूंगा 1/7 का परसेंटेज, आप बोलोगे 14.2/7। इसीलिए मैं बोला था आपको कि नोट डाउन करो, एक कॉपी लो और उसमें जो है सो बढ़िया से जो है लाल पीला करके अच्छे से
लिखो, बार बार परसेंटेज देखो। बहुत लोगों के रूम में आप देखोगे ना, वो लोग परसेंटेज दीवार पे पेज में लिख के अच्छा हैंड राइटिंग में दीवार पे चिपका के रखते हैं कि जहाँ पे खाएंगे पढ़ेंगे तो सामने में रहेगा तो देखते रहेंगे, क्योंकि कल होकर के आपका एग्जाम में काफी टाइम बचेगा। और लोग सोचते रहेंगे कि 157 पूर्णांक 1/7 परसेंट का मीनिंग कैसे निकालेंगे। देखो अभी मैं आपको खुद बता रहा हूँ, देखो अभी आप खुद समझ जाओगे कि इसका कितना वैल्यू है, ये सीख के क्या फायदा होगा। देखो 157 पूर्णांक 1/7 परसेंट बराबर वाट, ये आपका क्वेश्चन है। आप कॉपी में लिखो और आप सॉल्व करके बताओ। आपको मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके बताओ। वीडियो को पॉज करो और एक मिनट में आप सॉल्व करो। मैं गारंटी देता हूँ आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, कितना भी आपका कैलकुलेशन स्पीड क्यों ना हो। देखो कैसे करोगे आप करोगे, मुझे पता है, 157 गुना 7 करोगे प्लस 1 करोगे बट्टा 7 और परसेंटेज है तो 100 करोगे। और जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आपका आएगा 11/7। करके देखो 7 × 7 49, 7 × 7 49, 4 × 7 = 35, 4 × 7 = 39, 3 × 7 = 7 = 10 प्लस 1/700 बराबर 1100/700 = 11/100 आया ना। अब देखो मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि ये आसान है या भारी है। चलो मान लिए 157 × 7 आप कर दिए, अगला क्वेश्चन में आपको फिर मैं दूंगा, ठीक है, उसको करके दिखाना। और इसमें देखो कैसे करोगे सॉल्व, 157 है ना, जब भी 100 से ज्यादा रहे ना उसको कन्वर्ट करो, 100 के मल्टीपल में तोड़ो। अब 200 तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो 100 इसको लिख सकते हैं, 100% प्लस 157 पूर्णांक 1/7% लिख सकते हैं। 100% अपने आप में 1 होता है और 57 पूर्णांक 1/7 जो होता है वो 4/7 होता है। ये आपको याद हो जाएगा, देखते ही आपको याद हो जाएगा कि 57 पूर्णांक 1/7 का वैल्यू। आप गुना नहीं करने जाओगे 57 × 7 + 1/7, ऐसे नहीं करने जाओगे, डायरेक्ट देखोगे कि हाँ भैया ये 1 और ये 4/7, और जब इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 11/7 आंसर। अब बताओ कि ये ज्यादा आसान कैलकुलेशन था या ये ज्यादा आसान कैलकुलेशन था। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला ज्यादा आसान कैलकुलेशन था, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपको धीरे धीरे खुद आपको महसूस होने लगेगा कि नहीं नहीं सर जो बता रहे हैं ये ज्यादा आसान था। ठीक है बार बार देखोगे तब आपको समझ में आएगा। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं बताता हूँ आप लोगों को, बहुत बढ़िया वाला, ठीक है, बढ़िया वाला कंसेप्ट क्या है वो मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से देखो। एक इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, यही चीज मैं बोला 31/6 दे दिए, ठीक है, 31/6 दे दिए, और मैं आपको बोला कि इसको जो है सो परसेंटेज में कन्वर्ट करो, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में कितना होगा। तो आप कैसे करोगे, आपके पास दो तरीका है। फर्स्ट वाला तरीका क्या है आपके पास कि आप 31 गुना करते हैं तो 3100/6 करोगे और भाग दोगे, दो भाग, 6 × 5 = 30, 1 × 0 = 6, 4 × 0 = 36, 4/6, 2 × 2 = 2, 2 × 3 यानी ये आपका आ जाएगा 516.2/3%, ये आपका हो गया। मैं बोला नहीं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, ये रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है, ये सब लोग करते हैं, याद रखना, ये आप करते हो ना, ये सब लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन किनका होता है, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है, इसीलिए कि जिसका सिलेक्शन होता है वो ये नहीं करते हैं, वो ये करते हैं, क्यों, क्योंकि उनका टाइम बचता है। देखो इसको कैसे करें, 6 × 5 = 30 + 1/6, कोई दिक्कत नहीं, 5 है, 1 का वैल्यू 100% तो 5 का वैल्यू 500%, 1/6 मैं बता दिया हूं 1/6 का वैल्यू होता है 16 × 2/3, हो गया आपका 516 × 2/3। अब बताओ कौन सा आसान था,
यहाँ पे तो आपको भाग देने के बाद 4 और 6 को काटना भी पड़ा था, यहाँ तो काटना भी नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। देखो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना उसको नोट डाउन करो, सॉल्व करने का कोशिश करो। 31/6 है, आप लोग भी उधर 31/6 करके सॉल्व करो और इधर 5+1/6 लिख के सॉल्व करो, ठीक है। और बार बार देखो, आपको पता चलेगा क्या होता है। और परसेंटेज है भाई, बहुत टफ टॉपिक है, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, मेरा वीडियो है, वीडियो में यही फायदा होता है यूट्यूब में। आप ना एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, समझ में अगर एक बार में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया दोबारा देखो, तिबारा देखो, ठीक है। इससे ज्यादा बेसिक आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मैं खुद इतना ज्यादा बेसिक बताता हूँ ना कि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा कर दे रहा हूँ, ज्यादा बेसिक बता दे रहा हूँ। इतना भी बेसिक नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, मुझे सबको लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप इंटेलिजेंट हो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि क्या कर दिए, लेकिन वो 2 बार 3 बार देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो सेम उसी तरह नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग फिर से प्रैक्टिस करते हैं इसी सब चीज पे, फिर से प्रैक्टिस करते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो अब हम लोग एक देखते हैं क्वेश्चन, 37/8 है मान लो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, वही चीज कैसे करते थे हम लोग, कैसे करते हैं बताओ, कैसे करते हैं। 8 चौक 32 पूर्णांक 5/8, इसको क्या लिखते हैं, 4+5/8, ये अपने आप में 4 है तो 400% हुआ, और ये जो है सो 5/8 का परसेंटेज होता है 62/1/2 होता है, और जब इसको जोड़ोगे तो 462/1/2% आपका आंसर आ जाएगा। अब ये मैं कैसे लिखा, यही चीज तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको एक समय आएगा जो याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। ऐसे करते थे हम लोग, 1/8 करते थे, 12/8 96, 4/8 करते थे, ये 12 पूर्णांक 1/2 होता था, तो 1/8 है 12 पूर्णांक 1/2, तो 5/8 क्या करते थे, गुना कर देते थे, 5 से 12 5/6 60 पूर्णांक 5/2, इस फिर इसमें से निकालोगे तो 62/1/2 आ जाएगा, आ जाएगा ना उसी तरह से, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहोगे आसान हो जाएगा, मतलब चीजों के साथ खेलना शुरू कर दोगे आप। आप देखोगे ना क्वेश्चन आपके पास खुद दिमाग आ जाएगा ना कि ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे, और स्पीड भी करोगे, ठीक है, स्पीड में भी करोगे, ठीक है। तो क्या समझे हम ये समझे कि आप लोग समझ रहे हो। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मेरा वीडियो को पॉज कर दिया करो, ठीक है, और पॉज करके आप सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो। 85/16 मैं बोलूंगा बताओ इसका कितना परसेंटेज होगा, परसेंटेज में आपको बताना है, कैसे करोगे आप बताओ, आप ही, आपके पास एक पुराना वाला तरीका था, पुराना वाला तरीका क्या था, 85/100/16 करेंगे, अब देते रहो भाग, 16/5 80, 5 पर 16 3 48, 49 50 2 पर 0 16 16, 4/16 इसको सॉल्व करोगे 531/4 ऐसे आएगा, आएगा ना। यहां से सॉल्व करोगे 16/5 80 पूर्णांक 5/16, ये आपका हो गया 500%, और ये हो गया आपका 31/1/4%, और ये आपका हो जाएगा 531/1/4%, ये आपका हो गया फटाफट फटाफट, ठीक है। चलो एक चीज हो गया आप लोगों का ये चीज। अब हम लोग ना उम्मीद करते हैं कि परसेंटेज का बेसिक आप लोग को मैं ज्यादा ही बता दिया हूँ, ठीक है, मैं कुछ ज्यादा ही बता दिया हूँ आप लोगों को परसेंटेज का बेसिक्स, ठीक है। अब हम लोग एक दो चीज नया डिजाइन का सीखने का कोशिश करते हैं, ठीक है, नया डिजाइन का। ये टाइप 2 था, ये सब जो है ना टाइप 2 था, इससे पहले हम लोग टाइप 1 किए थे, अब हम लोग टाइप 3 कर लेते हैं। आप लोग भी ना कॉपी पर लिख लो, मैं भी आप लोगों के लिए लिख ही देता हूँ, ठीक है। ये टाइप 3 है हम लोग का, ठीक है, मैं भी आप लोगों को लिख ही देता हूँ, ठीक है। ये जो मैं बताया था आप लोगों का, ये जो मैं आप लोगों को बताया था, ये यहाँ पे ये हम लोग बताए थे आप लोगों को, ये टाइप 2 है, ठीक है। यहाँ भी आप लोग लिख ही लो कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यहां से कन्वर्ट, इसको आप लोग लिख लो, ठीक है, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे लिखना, यहाँ पे, यहाँ पे,
ये टाइप टू है, ठीक है, ये टाइप टू है, ठीक है, ये टाइप टू है, ये हो गया आप लोग का। और इससे पहले लेक्चर वन जो बताए थे वो टाइप वन है, ठीक है। चलो टाइप वन, टाइप टू, अब टाइप थ्री का बात करते हैं। थ्री में हम लोगों को एक चीज बहुत बढ़िया से देखना है, पता है बढ़िया से क्या देखना है हम लोगों को, हम लोगों को ये देखना है ना कि कैसे करते हैं, मतलब फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, मतलब आप समझ भी नहीं सकते हो कि सॉल्व कैसे करेंगे। एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूंगा कि 23/12 बताओ, आप क्या करोगे। आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका है 2300/12 करेंगे, चलो निकालते हैं इसको भी, 12 इकाई 12, ठीक है, 11 बचाना उस पर 0, 110, 12 नम्मा 108, 2 पर 0, 12 इकाई 12, 8/12। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, 4 इकाई 4, 4 3 12, 191 पूर्णांक 4 2 8, 191 पूर्णांक 2/3%। एक ये तरीका हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हुआ, वही चीज 23/12 है तो कैसे लिखते थे, 1+11/12, ठीक है, 100+11/12 करोगे तो 11/12 करोगे तो कैसे आएगा आपका आएगा 91 पूर्णांक 2/3, और ये आपका आ जाएगा 191 पूर्णांक 2/3। अब ये मत कहना कि सर आप ये कैसे लिख दिए, देखो कैसे लिख दिए, 11/12 है ना, तो 11 × 1/12, ठीक है, करो आप 11 × 1/12 कितना होता था, 12 × 8 = 96, 1/3 होता था। जब आप इसको करोगे तो 11 × 8 = 88 पूर्णांक 11/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो बड़ा नहीं होना चाहिए, ये तो छोटा होना चाहिए, तो 3 पूर्णांक 3 किया ना 2/3 आ जाएगा, तो यानी 91 पूर्णांक 2/3 आ जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा था यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा था, कैसे आया आपको समझाने के लिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो अब आप लोग समझ जाना कि कैसे लिखते हैं। दो तरीका हुआ आपका, तीसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखो एक ही चीज का करने का हर तरीका से बता देते हैं कि अगर आप लोग गलती से भूल जाओ ना तो आप लोग कोई भी तरीका जो दिमाग में आए पकड़ लेना। ये था ना। अब बताओ ये तीसरा तरीका है, ठीक है। इसको हम लोग 2 − 1/12 लिख सकते हैं। देखो सॉल्व करके 24 − 1 = 23/12 आ जाएगा, देखो आप लोग करके, ठीक है। ये आसान तरीका बता रहा हूं मैं सॉल्व करने का। तो एक बात बताओ, आप ही से पूछता हूं, देखो करना कैसे है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, ये मैं लिख दिया हूं, अभी समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई इसको सॉल्व करेंगे तो 23/12 आएगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आना तो 12 से 23 में भाग दो, नजदीक क्या है, 12 का 1 से करोगे तो 1 से 12 आ जाएगा, तो 23 ज्यादा है, 12 2 से करोगे तो कम आ जाएगा। तो जितना से मल्टीपल करने से ये क्रॉस कर जाएगा ना, उतना में से माइनस करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, एक दो क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा। अब बताओ ये 2 है तो 2 का वैल्यू 200% होता है ना, माइनस 1/12, 1/12 का वैल्यू 8 पूर्णांक 1/3% होता है, ये समझे, हाँ ये समझ गए होगे। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आप लोगों को भारी लग रहा होगा, मुझे भी पता है कि आप लोगों को भारी लग रहा होगा, लेकिन ये रिपीटेशन चाहिए, इसमें रिपीट होगा, 2 बार 4 बार 5 बार हर बार कंसेप्ट रिपीट होगा ना, देखो कंसेप्ट एक ही है, रिपीट होगा ना, मतलब मैं क्या बताऊं, आप लोग बस बनाना शुरू कर दोगे उसके बाद, ठीक है। इसीलिए तो आप बहुत लोगों का परसेंटेज कमजोर होता है, और परसेंटेज कमजोर होने की वजह से ना उनको प्रॉफिट लॉस में दिक्कत होता है। आज ही मुझे कमेंट में एक लड़का बोला कि सर मुझे मिक्सचर का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, बताओ कैसे बन जाएगा आपसे मिक्सचर का क्वेश्चन।
ऐसा तो है नहीं कि एक दो क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, दस क्वेश्चन है बनाने, बनाना सीख लिए, रट्टा मार लिए तो बन गया। भाई कंसेप्ट पता होना चाहिए ना, परसेंटेज कन्वर्ट कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे ले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा धीरे बता रहा हूँ, मुझे भी पता है कि मैं धीरे बता रहा हूँ। जितना देर में मैं दो लेक्चर में जितना बताया होना उतना यूट्यूब पे दूसरे टीचर ना 10 मिनट में ही बता देते हैं, लेकिन हाँ वो 10 मिनट में आप उतना सीख नहीं पाओगे, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलो 200% है। अब देखो कैसे हम लोग माइनस कैसे करते हैं, अब बताओ, आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, आप कैसे माइनस करोगे? इसको माइनस करने आता है आपको? नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं। देखो कैसे हम लोग माइनस करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बात बताओ, 200 हुआ, इसको इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, 8 + 1/3, एकदम बेसिक बताते हैं आप लोगों को ताकि दिक्कत नहीं हो। 200 - 8 - 1/3, ठीक है, चलो 8 घटाओ, 192 - 1/3, ये समझे? चलो कोई बात नहीं, समझ आया, 191 + 1 - 1/3, ये समझे? समझ गए होगे। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, 191 और ये कितना हो गया +2/3, ये हम लोग का हो गया 191 पूर्णांक 2/3% आंसर। देखो इतना लंबा होगा नहीं, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आप लोगों को, मैं बोल रहा हूँ ना, इतना बेसिक से कोई नहीं टाइम देगा भैया, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास है इसलिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इतना ज्यादा कोई नहीं समझाएगा आपको ये इस तरह से तोड़ तोड़ के, तोड़ मरोड़ के। ठीक है, लेकिन हाँ एक बार सीख जाओगे ना फिर आप खुद बोलोगे कि हाँ भैया मतलब सर समझाए हैं। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, चलो इसको घेर देते हैं। ठीक है, स्लाइड कम है, ठीक है, चलो एक और देखते हैं, 21/11 है, कैसे करेंगे? एक तो हो गया 2100/11 करके परसेंटेज निकालो, चलो भाई निकाल लेना वो आप लोग का काम है। दूसरा हो गया 11 + 10/11, फिर उसमें कन्वर्ट करोगे उससे निकल जाएगा, चलो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड 2100/11 करोगे आ जाएगा आप लोग का, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना आ जाएगा, 190 पूर्णांक 10/11 आ जाएगा परसेंटेज। चलो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है 11 + 10/11 करोगे, दूसरा तरीका यही है ना, इसको भाग दे तो 11 से 11 का 11 10/0 11 99 1/0 10/11, चलो ये ठीक हो गया, सॉरी यही तो मिस्टेक कर रहा था ना मैं, ये 1 है, 1 + 1 + 10/11, फिर वही 1 को लिखते थे, 100 + 10/11 को जब कन्वर्ट करोगे तो आपका आ जाएगा, ऐसे करते थे, कर लेना आप लोग कन्वर्ट, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 90 पूर्णांक 10/11, और जब ये सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 190 पूर्णांक 10/11%। एक आंसर ये, एक आंसर ये। अब ये मत कहना सर आप ये कैसे लिख दिए, ये आप कैसे लिख दिए, ये आप कैसे लिख दिए, ये मत कहना। ठीक है, कैसे लिख दिए, देखो 10/11 है तो 10 × 1/11 हुआ, 10 × 11 = 99 पूर्णांक 1/11 हुआ, सॉल्व करो, गुना करोगे 10 × 90 पूर्णांक 10/11 हुआ। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, तो बार बार एक ही चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा, इतना डिटेल्स में मैं खुद बता रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं पे दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो हो गया। अब तीसरा मेथड देख लेते हैं कैसे सॉल्व। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना वो ध्यान से बस देखो आप लोग, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप लोग को, बस ध्यान से देखो। दूसरा मेथड है 21/11 को क्या हम लोग नहीं लिख सकते? देखो 11 का 11 करेंगे तो 1 + 10/11 हो जाएगा, इसलिए हम लोग और शॉर्टकट करेंगे, 1 + 10 किए थे तो देख रहे हो ना कितना बड़ा टर्म आ गया 90 पूर्णांक 10/11, इसीलिए हम लोग इसको भी छोटा करना चाहते थे, 11 × 2 = 22 होता है तो 2 - 1/11, देखो हो गया ना, हो गया ना 21/11। अब ये होता है मेरा 200 और ये होता है 1/11, अब करो 200, ये सब परसेंटेज है याद रखना। ठीक है, ये परसेंटेज है, अगर हम यहाँ पे परसेंटेज किए हैं, यहाँ पे अगर ये परसेंटेज है तो ये भी परसेंटेज हो जाएगा, आप लोग ऐसे ऐसे मत याद, ऐसे में आप लोग गलती कर दोगे मुझे पता है। 200 - 1/11 का परसेंटेज कितना होता है, कितना होता है 11, इतना होता है, बताए ना।
चलो अब करो माइनस, 200 माइनस 9 माइनस 1 बटा 11। अभी अब तो समझ में आ रहा होगा ना, ये अभी मैंने यहाँ पे समझाया ना अच्छे से, ठीक है। चलो 191 माइनस 1 बटा 11 हुआ ना, चलो सॉल्व करो, 190 प्लस 1 माइनस 1 बटा 11। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 190 प्लस 10 बटा 11, और जब ये सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 190 10 बटा 11, ठीक है। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, चलो बहुत बढ़िया बात। इतना डिटेल्स में समझाया दो क्वेश्चन आप लोग को, 23 बटा 12 का, 21 बटा 11 का, तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलो और कुछ देख लेते हैं, और कुछ देख लेते हैं क्योंकि अभी 2-3 ही हुआ है, ठीक है। तो 2-3 ही हुआ है तो मुझे लग रहा है कि मुझे और कुछ बताना पड़ेगा ताकि आप लोग को और क्लियर हो कंसेप्ट, ओके। 44 बटा 15 का देखते हैं, 44 बटा 15 सेम कंसेप्ट, 15 किया 45 माइनस 1 बटा 15 सेम कंसेप्ट, देखते जाओ कुछ नहीं करना है। 44 बटा 15 गया। अब मैं तीनों अप्रोच नहीं बताऊंगा, अब मैं लास्ट अप्रोच बताऊंगा जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, ठीक है। 3 का 300 होता है, 300% का वैल्यू 3 होता है, ऐसे याद रखना। देखो 3 का वैल्यू 300% 3 हुआ, और 3 300% हुआ, ये परसेंट हुआ। माइनस 1 बटा 15 कितना होता है पता, 1 बटा 15 होता है 6 पूर्णांक 2 बटा 3%। कैसे सॉल्व करते हैं, 300 माइनस 6 माइनस 2 बटा 3 करोगे 294 माइनस 2 बटा 3 करोगे 293 प्लस 1 माइनस 2 बटा 3, और ये सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, इसको एक साथ कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, 293 पूर्णांक 1 बटा 3 परसेंट। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है, आप करते रहो, आप 4400 बटा 15 करके भाग कर देते रहो, ठीक है। चलो अब हम लोग और कुछ देखते हैं, एक दो और देख लेते हैं। चलो 39/8 का ही देख लेते हैं। देखो दो वही चीज, 8×32, 4+7/8 भी कर सकते हैं, लेकिन 7/8 अगर करेंगे तो 1/8 को 7 से गुना करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो लेंगी होगा ना, इसीलिए हम लोग 5 से कर देते हैं, 8×5=40 माइनस। देखो फायदा यही है, देखो यहाँ पे दो तरीका से निकाल सकते थे, एक तरीका से कि 4+7/8 और यहां से 5 - 1/8। देखो 4+7/8 से भी निकालोगे आपका आ जाएगा 400 प्लस, अब 7 गुना 1/8 करते रहो आप, तो आपका आ जाएगा 87 पूर्णांक 1/2, और ये करोगे तो आपका आ जाएगा 487 पूर्णांक 1/2%। अब देखो 7/8 जो है ये 87 पूर्णांक, थोड़ा सा तो लेंदी हुआ ना, तो भैया जब हम 1/8 से ला सकते हैं तो हमको 7/8 पे जाना जरूरी है अपना दिमाग को खराब करने के लिए, नहीं ना। तो वही चीज, 500 माइनस 1/8 12.5, और ये करोगे आप तो 488 माइनस 1/2, 487 प्लस 1 माइनस 1/2, और जब ये सॉल्व करोगे तो आपका जाएगा 487 प्लस 1/2, ये आपका जाएगा 487 पूर्णांक 1/2%। क्या कैसा लग रहा है, अब आप ही लोग बताओ। यहाँ पे 7/8 का वैल्यू निकालना पड़ता है, यहाँ पे 1/8, तो 1/8 आसान है, जिसको 1/8 याद है उसको 7/8 निकालना पड़ेगा गुना 7 करके, क्यों क्या जरूरत है जब आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इसीलिए मैं ये माइनस वाला भी आपको सिखाया, हर जगह प्लस वाला ही काम नहीं आता है, माइनस वाला भी काम आता है, ठीक है। चलो एक चीज और है वो यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, वो जो है सो यहीं पे देख लेते हैं। मैं वैसे इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, लेकिन आप टाइप फोर करके अपने नोटबुक में लिख लेना, कुछ नहीं है, सेम चीज है। बस मैं यही समझाना चाहता हूं कि अगर आपको दे दिया 437 पूर्णांक 1/2% का वैल्यू, बताओ अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, 437 गुना 2 प्लस 1/2 करोगे, नहीं, 400 प्लस 37%
ठीक है, ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, 400% यानी 4 + 37.5% का वैल्यू क्या होता है, 37.5% आपका हो जाता है 3/8, 3/8, और ये आपका हो गया 35/8, ठीक है, ये आपका हो गया 35/8, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस बारे में हम लोग ना इसको हम लोग मतलब इस पे 5-6 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ना सिर्फ परसेंटेज को ना याद करने का कोशिश करना कि 1/8 का वैल्यू क्या होता है, 3/8 का वैल्यू क्या होता है, 2/7 का वैल्यू क्या होता है, 1/7 का वैल्यू क्या होता है। देखो 3/7 और 4/8 नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 से लेकर के 1/20 तक जो मैंने बताया, 1/3, 1/4, देखो 1/4, 1/5, 1/10, 1/2, ये सब तो आसान है, 1/7, 1/9, 1/11, 1/12, 1/13, ये सब बस याद रखना, ये सब याद रहेगा, आप लोग कंप्लीट करोगे, बहुत ही जल्दी से कंप्लीट करोगे, और जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन अच्छे से करना, ठीक है। नोट नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, वीडियो बार बार क्या चलाओगे, इससे अच्छा है वीडियो देखो और नोट करो, ठीक है। चलो दो पार्ट हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप लोगों को बस समझाने के लिए मैं एक दो क्वेश्चन बता ही देता हूँ ताकि आप लोग को ये लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बनाओगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो एक चीज और धीरे धीरे बता रहा हूँ, भरोसा रखो, भरोसा रखोगे पूरा का पूरा मैथ्स कवर करवाऊंगा। आप टाइम एंड वर्क देखो मैंने कैसे पढ़ाया है, अभी आप परसेंटेज देख ही रहे हो कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं बस अपना समझ के पढ़ा रहा हूँ यार, मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट ही था, मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मेरा भी मैथ्स काफी अच्छा है, अच्छा था, मुझे पता है मैथ्स क्या है, मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगता है मैथ्स और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा अच्छा से बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा से बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप लोग हम लोगों के साथ बने रहो और चैनल को ना प्लीज सब्सक्राइब कर लो और हाँ लाइक भी कर दिया करो यार वीडियो को। आप लोग देखते हो व्यू तो काफी आता है मेरे चैनल पे लेकिन लाइक बहुत कम रहता है, डिसलाइक लाइक से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, समझे, आपके लाइक या डिसलाइक से मुझे कोई फायदा या लॉस होने वाला नहीं है, लेकिन लाइक करोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा लेक्चर आप लोग को अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आप लोग लाइक किए हो ना, मतलब कि आप लोग को पसंद आया है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना, और अगर फ्रेंड व्रेंड है ना अगल बगल में जो अच्छा लड़का है पढ़ाई करने में तो वो सबको भी बताना, और जो मैथ्स में वीक है उसको तो जरूर बताना, क्योंकि इतना बढ़िया डिग्री ना बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन बताते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ यहाँ पे उठा के कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कुछ लोगों से मैंने पूछा है कि बताओ भैया 50% का वैल्यू क्या होता है, बिलीव नहीं करोगे, वो कंपटीशन का तैयारी करते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि 50% का वैल्यू क्या होता है, 40% का वैल्यू क्या होता है। इसीलिए मैं पहला पार्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, दूसरा पार्ट में 2-3 क्वेश्चन आपको जान बुझ करके मैं ला दिया हूँ ताकि आप लोग समझोगे कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, देखो 20% है ना, 20% है, मैं बोला ना आपको परसेंट है मतलब 100 करेंगे, चलो 100 करते हैं, 20/100 करेंगे, 1/5 यानी 1/5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पी खटाक, कोई टेंशन नहीं, जिसको आता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता सीख लो, परसेंटेज है 100 करेंगे। देखो व्हाट इज 30% ऑफ 80, मैं बार बार बोलता हूं हर चीज अपने आप में 100% होता है, हर चीज अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होता है, ये मान के चलो, ये नहीं कि 80 लिखा हुआ तो 80% हुआ। अब पूछ रहा है 80 का 30% कितना होगा, तो देखो ऑफ है ना, ऑफ है। एक चीज और मैं बताऊंगा, एक मैं ट्रिक बताता हूं, वैसे आप लोग यहाँ पे भी लिख लो और होगा तो मैं एक बार और बता दूंगा, ये लिख ही लो अब, का को हिंदी मीडियम वाले को आता होगा, पहले काटिए फिर कीजिए भाग गुना करो धन जोड़ लो ता पीछे घटाओ, ये आप लोग ना याद कर लेना काम आएगा, ठीक है। वैसे
ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले के लिए है। इसको हम लोग बॉडमास रूल बोलते हैं, बॉडमास रूल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि काको वाला सिंबल जो होता है ना ऑफ का, इसको इंग्लिश में ऑफ भी बोलते हैं, इसको पहले करते हैं जो ब्रैकेट में होता है उसको करते हैं, उसके बाद फिर भाग का क्रिया करते हैं, फिर गुना का करते हैं, फिर धन का करते हैं मतलब जोर एड, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन का करते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक है, काको पहले काटिए फिर कीजिए भाग, गुना करो धन जोर लो ता पीछे घटाओ, तो उसी तरह से। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखो 30% ऑफ 80 है, ऑफ का क्रिया आ गया, इसका मतलब होता है 30% ऑफ का मतलब होता है इनटू, इनटू इनटू का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये होता है तो 30% इनटू 80, ठीक है 30% 30/100, ठीक है, और गुना 80, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे आ जाएगा आपका 24, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा आप लोगों का ए 24। ठीक है, वैसे देखो हम लोग जब सीख जाओगे ना तो आप डायरेक्ट 8 + 24 कर दोगे, क्यों, क्योंकि ऊपर में 2 जीरो हो जाएगा, देखो ऊपर में 30 में 1 जीरो, 80 में 1 जीरो, 2 जीरो, और नीचे से 100 कट गया, इसलिए डायरेक्ट 24। तो खैर उतना दिमाग अभी नहीं लगाना है, जितना समझा रहे हैं उतना ही समझो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। व्हाट परसेंट इज 60 ऑफ 240, व्हाट परसेंट इज 60 ऑफ 240, बोल रहा है कि 240 जो है ना, 240 अपने आप में 100% है, ये तो पता है कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो 60 जो है वो बोल रहा है 240 का कितना परसेंट है। तो देखो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने का ना बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है, आपको मैं जो तरीका बताऊंगा वही करना, बेसिक तरीका, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। 60 जो है ना, पूछ रहा है 60 कितना प्रतिशत है 240 का, तो जिसका जिसके बारे में पूछ रहा है ये कितना पर, वो ऊपर में रखेंगे, ठीक है, और किसका प्रतिशत है उसको नीचे में रखेंगे, अब गुना 100 करेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हम गुना 100 करते हैं। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका ये ऐसे आ जाएगा 6 × 24 और 4 × 25, तो ये आपका हो जाएगा 25%, 25% आप लोगों का आंसर हो जाएगा, कितना सॉल्व है। चेक करने के लिए क्या क्रॉस कनेक्शन करते हैं, 25% देख लेते हैं, 240 का 25% कितना होता है, 25/100 गुना 240 करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, 5 × 25 = 25, 5 × 2 = 10, 2 × 12 = 12, 25 = 60, देखो आ गया ना आंसर, क्रॉस कनेक्शन आ गया ना, इसका मतलब 60 जो है 240 का 25% है। आइया क्वेश्चन पूछेगा 25%, 240 का 25% कितना होगा, तो 60, 60 240 का कितना परसेंट है, तो 25%, जैसे पूछेगा वैसे निकाल दोगे, एक ही क्वेश्चन का पूछने का बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्या कि लंबा वीडियो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल एंड नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। आपको बोल रहा है क्लास में 50 स्टूडेंट है जिसमें 40% लड़की है, तो आपको ये बताना है कि उस क्लास में कितना लड़की और कितना लड़का है, एक बात बताओ, 40% गर्ल्स है, ठीक है, कितना में, 50 में, 40% 50 में तो परसेंट है तो बटा 100 करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो 40/100 × 50, 50 में 40% जो है सो लड़की है। ठीक है, चलो सॉल्व करो, 50 × 100 × 2 = 20, यानी 20 आ गया, तो यानी 20 जो है ना गर्ल्स है, 20 जो है ना गर्ल्स है, तो भाई बॉयज कितना बचेगा, लड़का कितना बचेगा, टोटल तो 50 था, तो 50 में से 20 लड़की है, घटा देंगे हम लोग तो 30 आंसर आ जाएगा, तो ये लड़का का आ गया और ये लड़की का आ गया। ठीक है, चलो खत्म हो गया, क्लियर, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में करना बोलना। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका में एक चीज बहुत बढ़िया है कि मैं नंबरिंग जो है ना मस्त रखता हूँ, अगला पार्ट लाऊंगा तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा, मतलब आपको ये नहीं कहना है ना कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है वो 60 ऑफ 240 वाला ये समझ में नहीं है, आप डायरेक्ट बोलो सर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया, डायरेक्ट बोलो क्वेश्चन नंबर 13 समझ में नहीं आया, डायरेक्ट बोलोगे। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक का। ऑन स्कोर्ड 344 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स एंड हिज इल्डर ब्रदर बेन स्कोर्स 582 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स, हु स्कोर परसेंटेज बेटर। बोल रहा है ना कि 344 नंबर कोई बच्चा 400 में लाता है, ठीक है, और उसका बड़ा भाई जो है वो 600 में 582 लाता है, तो आपको ये बताना है कि
कौन ज्यादा पढ़ने में तेज है, किसका परसेंटेज ज्यादा बढ़िया आया, ठीक है ठीक है। अब आप ही बताओ, 344 लाया 400 में, ठीक है, और ये ला रहा है 582 600 में, ला रहा ना। तो हम लोग करेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो हम लोग गुना 100 कर देते हैं 344 400 में और 582 600 में सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 6 9 54, 4 6 7 42, 97% आएगा आपका। और इसको जब सॉल्व करोगे 4 8 32 33 24, 4 6 24, 86% आप लोगों का आएगा, ठीक है। तो अब आप ही बताओ कौन ज्यादा लाया, इल्डर ब्रदर बेन, ठीक है, इल्डर ब्रदर, उसका नाम बेन था ना, ये ज्यादा मार्क्स लाया, तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलो ये हल्का हल्का क्वेश्चन हम लोग कवर कर दिए ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ आप लोग जो है सो सीख रहे हो, ठीक है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो बताया करो कमेंट में कि सर अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को मन है कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के पास ऐसा है ना कि जो चाहते कि वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँ ना, तो क्योंकि कुछ लोगों ने आज मुझे पूछा था कि सर मैं आपको क्वेश्चन का कलेक्शन दे दूंगा और उसमें से अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेना, इससे मेरा भी हेल्प हो जाएगा। तो अगर आपको आपके पास कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालो, मैं वो क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में जो है डाल के बता दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको भी वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और आपके थ्रू जो है बहुत सारे बच्चों का हेल्प भी हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट में हर बार की तरह इस बार भी मैं वही बात बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है, कि अनलिमिटेड एजुकेशन का वीडियो आया है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक तो करना ही करना, और शेयर का मतलब होता है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी बता देना, ठीक है। चलो अच्छे से रहना, ठीक है, मन से पढ़ाई करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो बाय।